चल ना बताना वाई जेड का स्पेलिंग तो बता दे। अरे वाई से तो होता है, इतना नहीं जान रही। चल वी से होता है। हाँ तो आपको धर्मप्रांतीय युवा संघ की ओर से एक तोहफा देना चाहूंगा। आखिरी प्रीति भोज फादर, आखिरी प्रीति भोज सिस्टर जी के साथ। दबंग सिस्टर हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए और फ्रेश व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, मेरा बाल एकदम चेंज टाइप से दिख रहा होगा, लंबा लंबा बाल था अभी गर्मी में, मैं शॉर्ट करा चुका हूं क्योंकि बहुत ही गर्मी है गाइस। और बैकग्राउंड देख रहे होंगे, फिलहाल मैं हूं अभी रामभाटा पारिश में। तो आज तो संडे नहीं है, फिर भी मैं इसलिए आया हूं क्योंकि यहां पे अपन सब एकत्र हो रहे हैं, क्योंकि यहां पे हमारी प्यारी सिस्टर कीर्ति का यहाँ पे फेयरवेल दिया जाएगा। फेयरवेल पार्टी के लिए यहाँ बुलाया गया है, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो हम लोग अपने भाई लोगों के साथ आ चुके हैं। वैभव कल ही रायपुर से आया है, और टप्पो ये भी रायपुर वासी, अरे मैं तो पुराना खिलाड़ी हूँ भाई, रामभाटा वासी है कि ईशानगर वासी नहीं पता। तो दोस्तों अभी तक 6 बजे का टाइमिंग दिए थे, अभी तक कोई नहीं आया है, तो देखते हैं और कौन कौन आ रहे हैं। वो डांस वांस होगा और क्या क्या प्रोग्राम होगा हम लोग को कुछ नहीं पता है, क्योंकि सब चीज़ें गुप्त में डिस्कस हुई है। तो डिस्कस क्या क्या हुई है वो मैं नहीं बता सकता, वो सब डायरेक्ट आप व्लॉग में देखना। तो बने रहिए व्लॉग में, अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा प्रोग्राम। यहाँ पे अभी तक तैयारी चल रहा है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये अपना रामभाटा पारिश, ये देखो कितना सुंदर चर्च। तो आज दिखाएंगे गाइस क्या क्या यहाँ पे फंक्शन होगा, प्रोग्राम होगा, और किस तरह फेयरवेल देंगे हमारे सिस्टर को, और अलविदा कहेंगे। इतने सालों तक हमारे सिस्टर यहाँ पे सेवा दी, हमारे पारिश को सेवा प्रदान किए उसके लिए, और बहुत मज़ा आएगा। बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं डायरेक्ट फेयरवेल में। सो गाइस यहाँ पे अभी तैयारी चल रहा है। ए हेलो कर दो रे ब्लू ब्लू। यहाँ पे अभी तैयारी चल रहा है फेयरवेल का, तो जल्दी जल्दी बैलून वैलून फुलाते हैं। यहाँ पे फेयरवेल भी लिख चुका है गाइस। यहाँ पे स्मृति डांस परफॉर्म करेगी, अकेले करेगी तो और अच्छी बात है, अगर ग्रुप में, अच्छा ग्रुप में, चलो अच्छी बात है। तो गाइस फाइनली ये हमारी प्यारे सिस्टर कीर्ति वहाँ पहुँच चुकी है, वहाँ पे एंट्रेंस के पास, हमारे चर्च का एंट्रेंस है, वहाँ पे जल्दी से जाते हैं, परिखाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ देखो अभी तैयारी चल ही रहा है, अभी पूरा तैयारी नहीं हुआ है, तो चलो चलो चलते हैं जल्दी से। बना ले बना ले। यहाँ पे परखाने के लिए पहुँच चुके हैं हमारे प्रीतम भैया, लगता है पूरा धूम मचा देंगे आज। तो एक्साइटेड हो सिस्टर को परखाने के लिए? बहुत बहुत ज़्यादा, पूरा धुरा उड़ा देना। सो गाइस यहाँ पे जेंटल्स लोग बहुत शर्माते हैं, और यहाँ लेडीज लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो क्या बोलूँ, तो छोड़ी लोग, हाँ सुंदर सुंदर छोड़ी लोग, और यहाँ सेलेम लोग नहीं आ रहे हैं। और भैया पूरा रेडी, एकदम धूम मचा देना। तैयार गाना कौन सा याद है भाई? गाना चलना रे, क्या हुआ इधर? चल भाई जा के स्पेलिंग बता दे, बट इधर स्पेलिंग बता, नहीं डालूंगा, चल नहीं डाल, नहीं डालूंगा, चल चल ना बता ना भाई जा के स्पेलिंग तो बता दे। अरे वाई से तो होता है, इतना नहीं जान रही। चल वी से होता है। हाँ तो बात तो सही है। हाँ तो बता ना, दो वाइजा का, तू बता पहले। अरे इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करो। सिमरन खलखो नहीं, कुछ भी
सब डालेगा गाइस। नीचे कमेंट करें। ये वाइजा का स्पेलिंग अच्छे से जानती है। वाइजा का स्पेलिंग वाई आई कह रहे जेड ए वाई आई जेड ए के ये है वाइजा का स्पेलिंग। ये ऐसा एलिन बोल रही थी। मैं कब बोली? अच्छा तू नहीं बोली है, चलो ठीक है। यही बोली है, गलती से मिस्टेक हो गया। मिस्टेक से गलती हो गया भाई। हो गया ना ठंडा। तो गाइस यहाँ पे हमारी प्यारी सिस्टर पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे हम लादेन मांदर बजाऊंगे, बोल रहे हैं भैया से मांग रहे हैं। जय सु सिस्टर, जय सु, जय सु फादर। तो माली भी चाहिए। पूजा हो चर्च में तो थाली भी चाहिए।
गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए, दिल है दिलवाला, दिल है दिलवाला तो दिलवाली भी चाहिए, ये दिल है दिलवाला तो दिलवाली भी चाहिए, और कार्यक्रम है हमारा तो आपकी ताली भी चाहिए। अभी हमारे सभी युवाओं को मैं अभी स्टेज पर बुलाना चाहूँगा एक स्वागत गीत के लिए, सब स्टेज पर आ जाएंगे। सचमुच यह पल मेरे लिए कठिन का दौर है, क्योंकि जिस सिस्टर के साथ में एक समय था जब हम साथ में काम किए, 4 वर्षों तक साथ में रहे, एक दूसरे का दुख सुख और सभी गतिविधियों में काम किया, तो इस फेयरवेल के समय में सिस्टर के बारे में कुछ शब्द मैं कहूँ। इसलिए मैं सिस्टर जी ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने हम युवा बेटे बेटियों के साथ कार्य करने के लिए आपको हमारे रायगढ़ तालिश को और साथ ही साथ संपूर्ण धर्म प्रांत में आपको एक लेडी एनिमेटर के तौर पर बिशप स्वानी अपॉइंट किए थे। यह एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप हर समय हमारे साथ हमारे कार्यों को योजनाओं को सवारते हुए एक अच्छा कार्यक्रम करने में हमेशा हमारी मदद की है। सिस्टर जी आपके हमेशा योगदान, समर्थन और हमेशा हम युवाओं के लिए आगे रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से यह छोटा छोटा गिफ्ट स्वीकार करें। घर ले जरूर हमारी गिफ्ट छोटा है, पर हमारा दिल बहुत बड़ा सिस्टर, हमेशा हम आप हमारे दिल में रहेंगे। आप सबके सर्वप्रथम मैं प्रभु पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर मौका के लिए। मैं विश्वास करती हूँ आज नहीं, बहुत दिन पहले ही उन्होंने इस क्षण को चुन के रखा था कि मैं आप सबके बीच आऊँ यहाँ। या कहें सुंदर पल भी है और दिल को दुखाने वाला भी है, लेकिन मैं खुश हूँ पिता ईश्वर ने, और विशेषकर मैं यहाँ कृतज्ञ हूँ हमारे ऋषभ स्वामी का, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ अपना प्यार बांटूं, अपना जीवन बांटूं। और फादर ने कहा 4 साल, लेकिन मुझे लगता है 5 साल अभी मैंने कंप्लीट किया। इन 5 सालों में जब से मैं यहाँ आई, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं कहीं अलग जगह पे हूँ और एक सिस्टर के रूप में कुछ एकदम ऐसा। मैं आप लोगों के साथ रह के जो भी, मैं बहुत बड़ी हूँ आप लोगों से, लेकिन बहुत युवा होने का अनुभव करती हूँ। हमेशा साथ में रहना, हर प्रोग्राम में साथ में काम करना, गाना सीखना, डेकोरेशन करना, ये सब मेरे लिए बहुत सुनहरा मौका था। आप लोगों से आप अपना प्यार बांटने का, आप लोगों से अपना सहयोग पाने का, और जैसे फादर जी ने कहा
हम ना केवल देते हैं लेकिन यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और उससे भी ज़्यादा मुझे पारिवारिक रिश्ता, हालांकि हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से हर किसी से मैं नहीं मिली होंगी, मिली भी होंगी तो उतना करीबी नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं रायगढ़ को कभी भूल नहीं सकती। फिर यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनसे पूछिए स्कूल स्कूल में सच बताओ स्कूल में बहुत दिन उनको मालूम है, मुझे लगता सबसे ज़्यादा डरते होंगे मुझसे स्कूल में। तो फिर भी मैं वही बोल रही हूँ आउट ऑफ लव। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई लव यू, आई विल मिस यू एंड आई ऑल्सो विल प्रे फॉर यू, प्लीज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर। सभी बाबा खड़े हो जाएंगे, सभी साथ में इस सुंदर समय के टाइम में सभी लोगों पर आ जाएंगे ऊपर, सभी लोग सारी वशिष्ठ की ओर आ जाएंगे, तालियां बजाते हुए आएंगे, जाते हुए साथ में साथ देते हुए सभी लोग पीछे आ जाएंगे, सभी लोग ऊपर आएंगे, सभी लोग आखिरी प्रीति भोज फादर, आखिरी प्रीति भोज सिस्टर जी के साथ दुख का पार्टी है। अरे अरे कहाँ छिप रही है, आप भी दिखा दो। आखिरी प्रीति भोज खा लो, प्रांजल का शादी इतने सारे यूथ गाइस ग
दबंग सिस्टर। नकली वाला तो रो रहे थोड़ा सा, नकली वाला रो तभी तो। तो यहाँ पे बहुत ही सीरियस का माहौल है गाइस, सभी के चेहरों में आंसू नहीं लेकिन चेहरों में पसीना जरूर है। हम पसीनों के द्वारा अपना व्यक्त करते हैं दुख, बोलो आंसू व्यक्त करते हैं। सिस्टर बाय बाय, खुश रहबे, नीन काला लगे जिग रहे ना यार रे, सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर लेट्स गेट लॉस्ट बंगा फ्रॉम हियर, टाटा बाय बाय, अलविदा दम आका। Thank you.